हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ। अगर आपको अपने लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपको जॉब रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स देता हूँ। आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ फ्रॉम BVFCL दैट इज़ ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग है फॉर आपको 12th पास आउट करना है विथ ITI इन रिलेवेंट फील्ड। और कैसे अप्लाई करना है, सेलेक्शन प्रोसीजर, पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जिन्हें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एडवर्टीजमेंट नंबर है BVFCL/PERS/apprentice/811। जो ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का वो है 1 ईयर। अब डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन और डिसिप्लिन देख लेते हैं। पहला आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जिसका डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन। इसका क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 12th पास आउट करना है और ITI करना है इलेक्ट्रिशियन, और वायरमैन का आपको 12th पास आउट विद ITI करना है इन वायरमैन। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है फॉर इलेक्ट्रिशियन इट इज़ 2 एंड वायरमैन का है 1। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका डिसिप्लिन है फीटर एंड मैकेनिक। जो फीटर उसके लिए आपको 12th पास आउट करना है विद ITI इन फीटर, और मैकेनिक का आपको 12th पास आउट करना है विद ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। जो वैकेंसी है फीटर का वो है 2 और मैकेनिक का है 2। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मैकेनिकल। इसका डिसिप्लिन है पहला ड्रॉट्समैन जिसका फील्ड है मैकेनिकल, और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 12th पास आउट करना है विद ITI इन ड्रॉट्समैन मैकेनिकल, और वैकेंसी है 1। नेक्स्ट है मैसेनिस्ट। इसका भी आपको 12th पास आउट करना है विद ITI इन मैसेनिस्ट, वैकेंसी है इसका 2। नेक्स्ट है वेल्डर। इसके लिए आपको 12th पास आउट करना है विद ITI इन वेल्डर, इसका वैकेंसी भी 2। नेक्स्ट है फिटर। इसके लिए आपको 12th पास आउट करना है विद ITI इन फिटर, इसका वैकेंसी है 3। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। इसके लिए आपको 12th पास आउट करना है विद ITI इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इसका वैकेंसी है 1। नेक्स्ट है मैकेनिक डीजल। इसका भी क्वालिफिकेशन आपको 12th पास आउट करना है विद ITI इन मैकेनिक डीजल, इसका वैकेंसी है 1। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो है 17, जिसमें जनरल का है 10, SC का है 1, ST का है 2 एंड OBC का है 4। जो स्टिपेंड है वो डिसाइड होगा, कैंडिडेट्स को बोल दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है इन क्लास 12th एंड ITI में, और 45% फॉर ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स। और जो कैंडिडेट्स पहले भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुका है और जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहा है वो एलिजिबल नहीं है इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। और जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 24 ईयर्स, और वो काउंट होगा फ्रॉम 31st मार्च 2021। एज रिलैक्सेशन है फॉर ST, SC इट इज़ 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स। और जो कैंडिडेट्स PWBD भी और ST, SC भी के लिए 15 ईयर्स, और जो PWBD और OBC है लोग के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है 12 मंथ्स। अब देख लेते हैं सेलेक्शन प्रोसीजर। पहले कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, जो मार्क्स उन लोग ने स्कोर किया इन क्लास 12 एंड ITI। फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोकॉपीज लेके आना है, और फिर आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ सही निकला तो आप लोग को फाइनली ज्वाइन करना पड़ेगा फॉर दी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब देख लेते कैसे अप्लाई करना। अप्लाई करना आप लोगों ऑनलाइन मोड में। उससे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन apprenticeship.gov.in। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इजीली रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी रेलेवेंट डिटेल्स है उसको फिलअप कर देना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना है वो कर देना, जैसे एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन, 12th पास मार्क्सशीट, ITI मार्क्सशीट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब आप लोगों को सबमिट करना, और फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना, और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लेना क्योंकि वो काम आएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप को लेके या सबमिशन को लेके तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। और अगर आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हो, दैट इज़ www.bvfcl.com। और वैलिड ईमेल आईडी देना क्योंकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी में सेंड कर दिया जाएगा। एक कैंडिडेट वर्स एक पोस्ट के लिए ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी ने भी मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो लोग का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ध्यान देना। और पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना, फिर उसके बाद अप्लाई करना।
और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स मिसमैच हुआ तो आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स सर्टिफिकेट दिया तो आप लोग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप थ्रू ईमेल भी पूछ सकते हो। ईमेल आईडी है PERS@BVFCL.CO.IN। अब देख लेते हैं डेट्स। तो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 25th October 2021 और लास्ट डेट है आपका 24th November 2021। और डेट ऑफ इंटरव्यू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा थ्रू ईमेल या ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। तो ये था जॉब अपडेट फ्रॉम BVFCL दैट इज़ ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, स्टिपेंड आप लोगों को ज्वाइनिंग के टाइम में पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिन्हें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑन जॉब रिक्रूटमेंट।